कुछ मुअज्ज़िज़ बंदे भी हैं। ठीक है दोजो, सलाम अलैकुम। ठीक है दोजो, अरे जो यो जो दे शुक्र जो हम इधर से किस तरफ से जाएंगे? इस तरफ से। यार आज आप हमें लगता है कि काफी थकाने के चक्कर में हैं। हाँ हाँ जी, बस ठीक है। जब कोई बीमार होते हैं हम तो आप लोग क्या काम करते हैं? जब रोड बंद हो जाते हैं, इतनी बर्फबारी होती है तो फिर आप लोग क्या काम करते हैं, किस क्या करते हैं? हम कुछ लोग बीमार होते हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ डॉक्टर होते हैं। ठीक, वो नहीं हुआ तो वो रोड पे सब लोग जाते हैं, उसको रोड को मिट्टी लगाते हैं। अच्छा, तो गाड़ी पोंछते हैं। अच्छा, मतलब मिट्टी लगा के रोड साफ करते हैं। हाँ, और साफ करते हैं। ठीक, तो वो पोंछ जाते हैं। ठीक, अगर मतलब रोड साफ ना हुआ तो फिर आप लोग क्या काम करते हैं? रेस्क्यू को फोन करते हैं। अच्छा, रेस्क्यू वालों को फोन करते हैं। हाँ। तो अभी हम किस तरफ से जाएंगे? इस तरफ से। यार मुझे ये गली बहुत अंधेरा लगता है। इधर से अंधेरा है। अच्छा हाँ जी, थोड़ा अंधेरा नहीं है यार, पूरा अंधेरा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है तो जो यार बहुत खूबसूरत है यार आपकी जो गलियां हैं। हाँ। ये तो ये सारे जो घर हैं ये पुराने लोगों के हैं क्या? है पुराने लोगों का भी था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अरे ये किधर जा रहे हैं? अच्छा इसमें क्या है? इसमें चाय। चाय कौन सा चाय है? नमकीन चाय। ये जरा हमारे लोगों को जरा दिखाएं। ये है जी नमकीन चाय, यहाँ पे हमारे लोग बनाते हैं और बस दिन भर यही पीते रहते हैं। तो इस चाय की खसूसियत क्या है ताकि? इस चाय कभी वो लोग घर में ऐसे ही बैठे रहे तो ये चाय पीते रहे। अच्छा अच्छा ऐसे ही जब मतलब ठीक 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 सही है। घर है? हाँ जी। हाँ पुराना है, थोड़ा बहुत वो साफ करके उन लोगों ने बना के है। अच्छा हाँ जी ठीक जी। किस तरफ से जाएंगे अभी हम? इस तरफ से जाएंगे। मुझे ये हाँ? मुझे मारते हैं ना? मुझे भी मारेंगे यार, मुझे भी डर लगता है। छोटे बच्चों को मारते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए मारते हैं ना, हमें तो नहीं मारेंगे। ये हाँ खतरा है, खतरा है। इसको स्पटिक जो कहते हैं। अच्छा तो यहाँ पे आप लोग मारखोर शिकार करते हैं? हाँ जी, उधर वो आते हैं। अच्छा। तो इस साइड पे आते हैं वो, उस साइड पे वो पहाड़ है ना। हाँ। उसकी थोड़ा बहुत से करीब नीचे आते हैं तो उधर से लगाते हैं। अच्छा क्या मारते हैं? तो वो शिकारी आके आते हैं और उधर से लगाते हैं। अच्छा तो फिर चले आ जाए। आए जी हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है। फरियाद है, किधर जा रहे हैं? बाजार में जा रहे हैं। बाजार में क्यों जा रहे हैं यार? घूमने के लिए। अच्छा घूमने के लिए बाजार में जाते हैं, जबरदस्त यार, गुड। तो आए जी हम आप लोगों को लेके जाएंगे, जा रहे हैं क्यों ताकि भाई? हाँ जी। यार ये घर है? हाँ जी। अच्छा कभी मशरूम पीक पे गए हैं? मशरूम हैं आप? नहीं गए? मैं तो नहीं गए। इधर से मशरूम नजर आते हैं तो इधर से देखते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा इधर से ही देखते हैं। ठीक 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 सही है। अस्सलाम वालेकुम सुनो जो, अच्छा से जो, अच्छा 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 ये है हाँ जी। तो ज्यादा सर्दी हो जाए तो फिर आप लोग क्या काम करते हैं? ज्यादा सर्दी हो तो घर में बुखारी लगाते हैं। बुखारी लगाते हैं? ठीक। हाँ, उधर वो आग जलाते हैं। ठीक। बस टीवी लगाते हैं। अच्छा टीवी है यहाँ पे? टीवी भी है कुछ बाल इसके। जैसे इसके बारे में मुझे थोड़ी देर बताइए ना इसके बारे में। ये इसे पेप कहते हैं। अच्छा इसमें इसको ड्रामो होते हैं तो इसमें बिल लगाते हैं। इसे बिल बिल कहते हैं। अच्छा अच्छा इसे गर्म रहता है तो पानी आते हैं। अभी
सही सही। अच्छा इसमें जो है वो भेड़ बकरियों की जो है वो बिल लगाते हैं। हाँ, बिल लगाते हैं। हाँ जी, तो ये गर्म होते हैं, अगर वो गर्म नहीं होते तो पानी लाते हैं। अच्छा अच्छा, चले जबरदस्त यार, जबरदस्त आ जाए। जो मतलब इस तरह की जो है वो बुजुर्ग जो है वो डांस करते थे, तलवार डांस। हाँ जी, वो नाचते हैं, उसे स्किनफिंग कहते हैं। हाँ जी, वो नीचे से मेहमान बेहमान आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये शो वो करते हैं। अच्छा, तो ये लोग वो बुजुर्ग लोग आग जला के उसको जला। अच्छा, ताकि उधर नाचते। ये क्या चीज है, मस्जिद? मस्जिद है। अच्छा, आप नमाज भी पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं पढ़ते हैं। अच्छा, बवी जमात जाते जी, हमारे घर वो है। हाँ जी, चले आप, आप चले, हमें तो रास्ते का पता नहीं है। ठीक है ना जी, आए जाएंगे। नहीं है अब्बू और भाई होगा। अच्छा, आ जाए, हम आ जाए। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए जी। अच्छा, इसमें एक मिनट। तो ये है आपका घर? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भैया कैसे हैं आप? अच्छा, तो ये आपका घर है? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे आप रहते हैं? माशाल्लाह यार, आपने तो बुखारी लगा के बिल्कुल गर्म किया हुआ है। हाँ जी। ठीक, बैठ जाए। अच्छा, तो और क्या हाल है? और बस है। अच्छा, खुशी वैली में ही रहते हैं? खुशी वैली में। स्कर्दो कभी गए हैं? स्कर्दो तो नहीं गए, खपलो तक गया है। खपलो तक गया है? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा आपके खुशी वैली में क्या चीज देखने के काबिल हैं, वो भी जरा तो हमें बताए ना। वो बर्फ लगाए तो वो स्किन, आइबेक्स, वो लोग आते हैं तो हम छतों से उसका नजारा करके देखते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमें किस तरफ लेके जाएंगे आज? अब हम आपको बाजार की जानिब ले। अच्छा, यहाँ का जो वह बाजार की तरफ आप हमें सैर करवाएंगे? हाँ हाँ जी। चलो जी, इस तरफ से भी पहुँचते हैं? जी, इस तरफ से भी पहुँचते हैं। हम मशरूम तरह करते हुए जाएंगे यार, क्या हाँ जी। बादल नहीं? हाँ, तो हमें मशरूम का खूबसूरत मिल जाते हैं जी। सही, क्या कहते हैं इसको? यहमो, ये तो कम मारते हैं। हाँ, इससे वो बड़ा जो वो कहते हैं वो मारते हैं। इसके नीचे उसको हम चूहा कहते हैं। उस तरह बैल बकरियां और गायें लगाते हैं। आए हम जी, जी जी, मुझे लगता है यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा। हाँ जी, इधर वो रोड जो है उधर से हम सिक्योरिटी भी लगाते हैं। तो मुझे तो यहाँ जी ये यार बहुत अच्छी जी यार बहुत है यार जी। जी ये आए भैया, क्या हाल है, किधर गए थे आप दोनों ये लेके?
है 3 लगाने। अच्छा मतलब सिक्किस लगाने के लिए दाम है। ठीक दर दिखाएं। इसमें ये सब डालते हैं। ठीक। और इसमें लोग बैठते हैं तो वो जाते हैं। अच्छा 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 जी। यार मुझे वहाँ पे आग नजर आ रहा है यार। जी ये आग जरा दिखाएं। याक चलिए सकी जी मारेंगे याक तो ये तो नहीं मारता होगा। हाँ हम इधर बैठ के इसका ना ये खुद डांटते हैं। ये लोग डांटते हैं जी। ये आप जरा देखें याक का जो जी दहशत है जिसे यहाँ का जो है वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक कीमती जानवर है जी याक। ये अभी नीचे मतलब लेकिन गर्मियों में जो है ये ऊपर पीक की तरफ बैठते हैं। क्यों तके भाई जी तो आए जी बिल्कुल। हाँ जी यार ये सारे जो है ये इनको बटुक कहते हैं। ठीक ये इनको पैदा हुआ है। ठीक तो सारे गांव है जो इधर लगाते हैं उधर पानी मिलते हैं तो ये लोग पीते हैं उसके बाद खुद लोग आते हैं घर पे अपने आप चले आते हैं घरों में। जी कुछ खुद चले आते हैं कुछ लेने जाते हैं। तो मारखोर कहाँ पे होते हैं? मारखोर जो है ये पहाड़ों पे होते हैं। पहाड़ में जी इन्हों में भी होते हैं इससे नीचे भी आते हैं कभी। अच्छा, कभी आपने देखा है मारखोर को? जी देखा है। अच्छा हाँ जी तो आए जी हमारे छतों से भी ये आराम से नजर आते हैं जी। हमारे छतों से है जो हाँ घरों की छतों से नजारा करे तो भी आते हैं जी। कहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए लोग किस तरह रहते हैं लोग सहन लोग जो है वो यकीन सर्दियों में बहुत टफ जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे आए हैं आप लोग जी ये याक तो जी जी बहुत बन सकते दूर से देख रहे हैं जी। ये आ रहे हैं मेरी तरफ से आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो कहेंगे यार नहीं नहीं ये चले गए यार। हाँ ये हमसे डरते हैं। ये आप देख सकते हैं जी याक यहाँ का स्पेशल जानवर है जी सर्दियों के लिए ये अपने वादी में आए हैं और जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होते ये सर्दियों में ज़्यादा सर्दी के जो जगहों पे ज़्यादा रहते हैं और गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं इस वजह से ये लोग जो है वो पहाड़ों में रहते हैं। आजकल यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी हुई है तो फिर ये यहाँ पे आए हुए हैं तो आए जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। जी निकल सकते हैं। जी क्या रखते हैं तक इनमें जानवर रखते हैं जी। अच्छा इनमें जानवर ये इधर दिखाएं इनमें जानवर हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग जानवर का भी भाग फिर हम इधर से जाते हैं बाजार इधर से हैं। मैंने कहा मैं भी यहाँ से आया हूँ तो मुझे लगता है कि बाजार जो है वो इस तरफ से हैं तो हम हाँ जी वो